बाबाए उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है सी, मौलवी अब्दुल हक। इनमें से कौन सा लफ्ज सही है? दुरुस्त जवाब है बी, चौधरी इस तरह लिखा जाता है। ड्रामा अंधेरा उजाला किस अदीब का है? दुरुस्त जवाब है ए, यूनस जावेद। धान पान होना मुहावरा है, इसके मानी क्या हैं? दुरुस्त जवाब है बी, दुबला पतला होना। अल्लामा इकबाल की वो कौन सी तसनीफ है जो आधी उर्दू जबान में है और आधी फारसी जबान में है? दुरुस्त जवाब है बी, अरमगाने हिजाज। बिस्मिल्लाह के गुंबद में होना इस मुहावरा के क्या मानी हैं? दुरुस्त जवाब है सी, ना तजर्बाकार होना। उर्दू अदब में किस शख्सियत ने बच्चों के लिए खसूसन सबसे ज्यादा लिखा? दुरुस्त जवाब है बी, इस्माइल मीरठी। दामन तर होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? दुरुस्त जवाब है ए, गुनागार होना। महनामा मखजन कहाँ से जारी हुआ? दुरुस्त जवाब है ए, लाहौर। कसीदे के ज्यादा से ज्यादा अशआर की हद कितनी बताई गई है? दुरुस्त जवाब है डी, कोई हद नहीं है। बैतुल गजल किसे कहते हैं? दुरुस्त जवाब है ए, गजल का बेहतरीन शेर। ये शेर किस शायर का है? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। दुरुस्त जवाब है बी, मौलाना जफर अली खान। दबीरुल मुल्क असदुल्ला खान का कौन सा इसम था? दुरुस्त जवाब है सी, खताब। इनमें से कौन सा लफ्ज या तलफ्फुज ठीक है? दुरुस्त जवाब है डी, नाराजी। इनमें से कौन सा लफ्ज मौजू है? दुरुस्त जवाब है डी, हैरानी। ये किसका शेर है? कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दुरुस्त जवाब मोहम्मद अली जौहर। कौमी तराना पहली मर्तबा रेडियो पर कब नशर हुआ? दुरुस्त जवाब 13 अगस्त 1954। जिस हमदिया नज़म में खुदा से कोई दुआ या इल्तजा की गई हो उसे क्या कहते हैं? दुरुस्त जवाब बी, मनाजात। इकबाल के इस शेर में रशी से कौन मुराद है? रशी के फाकों से टूटा न ब्रह्मन का तलिस्म, असा न हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद। दुरुस्त जवाब बी, गांधी। रशी खुदा परस्त साधु को कहते हैं, लेकिन यहाँ गांधी मुराद है। दावते समरकंदी के क्या मानी हैं? दुरुस्त जवाब पुरतकल्लफ दावत। मस्जिद ठंडी करना से क्या मुराद है? दुरुस्त जवाब डी, मस्जिद का ढाना या मस्जिद का गिराना। जौनपुर का काजी इससे क्या मुराद है? दुरुस्त जवाब डी, अहमक। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूं या रब, क्या लुत्फ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया। ये अल्लामा इकबाल की किस नज़म का शेर है? दुरुस्त जवाब बी, एक आरजू। दावते शीराज किसको कहा जाता है? दुरुस्त जवाब बेतकल्लफी की सादा दावत। उर्दू का पहला शायर किसको माना जाता है? दुरुस्त जवाब अमीर खुसरू। उर्दू गजल का बाबा आदम किसको कहते हैं? दुरुस्त जवाब वली दकनी। बहादुर शाह ने किस शायर को खाकानिये हिंद का लकब दिया? दुरुस्त जवाब ज़ौक। वो कौन से दो शुअरा हैं जो अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करते? दुरुस्त जवाब डी, हफीज जालंधरी और शिबली। मुसव्वरे गम किसे कहते हैं? दुरुस्त जवाब बी, अल्लामा राशिदुल खैरी। मंजूम ड्रामा क्या कहलाता है? दुरुस्त जवाब ओपेरा। बूढ़ा तोता से क्या मुराद है? दुरुस्त जवाब डी, बड़ी उम्र का बेवकूफ आदमी। चाहे जनखदां का क्या मतलब है? दुरुस्त जवाब ठोड़ी का गड़ा। फलाहत किसे कहते हैं? दुरुस्त जवाब ए, खेती बाड़ी को।
उर्दू अदब में कता से क्या मुराद है? दुरुस्त जवाब ए, दो अशआर जिनमें कोई खास बात बयान की गई हो। नमाजी का टका की तरकीब का क्या मफहूम है? दुरुस्त जवाब डी, बदी का बदला। उर्दू का पहला ड्रामा निगार किसको माना जाता है? दुरुस्त जवाब बी, अमानत लखनवी। कौन सी जरबुल मिसल दुरुस्त है? दुरुस्त जवाब ए, सुबह बनारस शाम ऊद। किसी अबारत की तलखीस करने का अमल दरअसल? दुरुस्त जवाब बी, तशरी का अमले मुतजाद है। रेशे खत्मी से क्या मुराद है? दुरुस्त जवाब डी, बहुत हंसने वाला। कौन सा जुमला दुरुस्त है? बी, वो मुझसे आंखें चुराता है। शायराना तअल्लुक से क्या मुराद है? दुरुस्त जवाब ए, शेर में अपनी तारीफ आप करना। आंखें सफेद होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? दुरुस्त जवाब सी, बिनाई जाते रहना। फाख्ता उड़ाना का मफहूम क्या है? दुरुस्त जवाब ए, मजे उड़ाना। रजाइयत अदबी इस्तलाह है, इसका मफहूम क्या है? दुरुस्त जवाब डी, उम्मीद और मसबत रवैया। महर नीम रोज मिर्जा गालिब की तसनीफ है, इसका मौजू क्या है? दुरुस्त जवाब सी, खानदानी मुगलिया की तारीख। ममारसत से क्या मुराद है? दुरुस्त जवाब है ए, महारत। बाबाए सहाफत किस अदीब को कहते हैं? दुरुस्त जवाब बी, मौलाना जफर अली खान। बांगे दरा की पहली नज़म कौन सी है? दुरुस्त जवाब सी, हमाला। अल फारूक किसकी तसनीफ है? दुरुस्त जवाब ए, शिबली नोमानी। शिकवा और जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की किस किताब में शामिल हैं? दुरुस्त जवाब है सी, बांगे दरा। तरक्की पसंद तहरीक ने शायरी की किस सिनफ को सबसे ज्यादा परवान चढ़ाया? दुरुस्त जवाब है बी, नज़म। पतरस बुखारी का असल नाम क्या है? दुरुस्त जवाब है सी, सैयद अहमद शाह। इब्ने इंशा का असल नाम क्या है? दुरुस्त जवाब है ए, शेर मोहम्मद खान। शायर इनकलाब किसको कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है बी, जोश मलीह आबादी। असगरी और अकबरी के मशहूर किरदार किसके तख्लीक करदा हैं? दुरुस्त जवाब है सी, डिप्टी नज़ीर अहमद। चचा छक्कन का किरदार किसकी तख्लीक है? दुरुस्त जवाब है ए, इम्तियाज अली ताज। मौलाना हसरत मोहानी ने कौन सा रसाला जारी किया था? दुरुस्त जवाब है डी, उर्दू ए मौला। रिसाला फनून के का क्या नाम है? दुरुस्त जवाब है ए, अहमद नदीम कासमी। ठंडा गोश्त किसके अफसानों का मजमूआ है? दुरुस्त जवाब है सी, सादत हसन मंटो। उर्दू का पहला नावल किसे किरार दिया जाता है? दुरुस्त जवाब है डी, मिरातल अरूस। राजा गिद्ध किसका नावल है? दुरुस्त जवाब है डी, बानो कुदसिया। खाक और खून किसका नावल है? दुरुस्त जवाब है ए, नसीम हिजाजी। बस्ती किसका मशहूर नावल है? दुरुस्त जवाब है बी, इंतजार हुसैन। फिरदौसे बरी के मुसन्नफ का क्या नाम है? दुरुस्त जवाब है डी, अब्दुल हलीम शरर। परवीन शाकर की शायरी की पहली किताब कौन सी है? दुरुस्त जवाब है डी, खुशबू। उस बेवफा का शहर किसकी शेरी तख्लीक है? दुरुस्त जवाब है डी, मुनीर नियाजी। मसनवी सहरुल बयान किसका शाहकार है? दुरुस्त जवाब है डी, मीर हसन। अदब और जिंदगी किसकी तहरीर है? दुरुस्त जवाब है ए, मजनू गोरखपुरी। गंजे फरिश्ते किसकी तालीफ है? दुरुस्त जवाब है ए, सादत हसन मंटो। बीवी की तलाश किसकी तसनीफ है? दुरुस्त जवाब है बी, असर नोमानी। ये शेर किसका है? इन्हीं पत्थरों पर चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। दुरुस्त जवाब है ए, मुस्तफ़ा जैदी। ये शेर किसका है? फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दुरुस्त जवाब है सी, हशर आगा।
नावल किस जबान का लफ्ज है? दुरुस्त जवाब है ए अतालवी, इटालियन वर्ड है। बैत किसको कहते हैं? दुरुस्त जवाब है बी शेर को। जिस नज़म का हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? दुरुस्त जवाब है बी मुखम्मस। शेर के पहले मिसरा को क्या कहते हैं? दुरुस्त जवाब है डी मिसरा उला। दो जुमलों को मिलाने वाले हरूफ को क्या कहते हैं? दुरुस्त जवाब है सी हरूफ अतफ। रमूज का क्या मतलब है? दुरुस्त जवाब है सी इशारात। इहाम के लुघवी मानी क्या हैं? दुरुस्त जवाब है डी वहम में डालना। अब्दुल्ला हुसैन का नावल उदास नस्लें किस पस मंजर में लिखा गया? दुरुस्त जवाब है सी बरतानवी हिंदुस्तान। कुरतुल ऐन हैदर के नावल आग का दरिया का बुनियादी मौजू क्या है? दुरुस्त जवाब है बी मुख्तलिफ फलसफे और हिंदुस्तान की तारीख। जमीला हाशमी के नावल दश्त सूस में किस तारीखी शख्सियत को मौजू बनाया गया है? दुरुस्त जवाब है सी मंसूर हल्लाज। ये शेर किसका है? उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। दुरुस्त जवाब है बी मोमन। ये शेर किसका है? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दुस्ताने। दुरुस्त जवाब है बी मुस्तफ़ा जैदी। ये शेर किसका है? तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। दुरुस्त जवाब है सी ख्वाजा मीर दर्द। ये शेर किसका है? गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कि कुछ लोग पहचाने गए। दुरुस्त जवाब है खातर गजलवी। भानमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मुहावरा का क्या मतलब है? दुरुस्त जवाब है सी बेमेल रिश्ता जिताना। सत्तू घोलना मुहावरा का क्या मतलब है? दुरुस्त जवाब है ए फजूल और बेहुदा बातें करना। ढाक के तीन पात मुहावरा का क्या मतलब है? दुरुस्त जवाब है सी बात पर अड़े रहना। यदे तूला रखना मुहावरा का क्या मतलब है? दुरुस्त जवाब है बी मुहारत रखना। वो इस्म जो किसी खास शख्स, खास जानवर, खास जगह या खास चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए क्या कहलाता है? मसलन अहमद, शेर, कराची। दुरुस्त जवाब है बी इस्म मारफा। खुदाए सुखन किस शायर को कहते हैं? दुरुस्त जवाब है डी मीर तकी मीर। फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में तामीर किया गया? दुरुस्त जवाब है सी कलकत्ता। निकले तेरी तलाश में कौन सी सिंफ अदब से ताल्लुक रखता है? दुरुस्त जवाब है बी सफरनामा। विसाल के हम्मानी कौन सा लफ्ज है? दुरुस्त जवाब है डी मिलाप। वो कौन सा अदीब है जिसने अक्वामे मुतहिद्दा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की? दुरुस्त जवाब है ए पतरस बुखारी। रुबाई के कौन कौन से मिसरे हम काफिया होते हैं? दुरुस्त जवाब है ए पहला, दूसरा और चौथा मिसरा। तिफले मकतब किस तरकीब का मफहूम है? दुरुस्त जवाब है बी ना तजर्बाकार। इश्तहा अंगेज का मतलब है बी भूख तेज करने वाली चीज।